साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जो भी हमारे एमएससी के स्टूडेंट हैं, जो अपने फाइनल सेमेस्टर में है, जिनको आगे चल के 6 महीने का डिजर्टेशन करना है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपकी NII, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो कि आपकी दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर आपके 6 मंथ रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आपकी ट्रेनिंग होनी है उसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जो है वो आपकी एक्टिव कर दी गई है। तो 15 सितंबर से ही आपकी लिंक एक्टिव है और 14 तारीख जो है वो इसकी लास्ट डेट है। बाकी इस फॉर्म को भरते समय अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो ये पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन के कॉलम दिए गए हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो एक चीज उन्होंने मेंशन किया है, केवल जो एमएससी परसुइंग वाले बच्चे हैं, मतलब जिनका एमएससी चल रहा है, वही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जिनका एमएससी कंप्लीट हो चुका है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पर जब आप न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के कॉलम में आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक साइनअप का ऑप्शन दिया जाएगा। ये इस तरीके से वेबसाइट होगा, अपना यूजर नेम और जो आपका ईमेल आईडी होगा या पासवर्ड होगा, उस तरीके से आप अपना डाल के इसको सबमिट करेंगे। बाकी यहाँ पे एंट्रीज वगैरह दी हैं कि शायद डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे जो भी आप अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होम पेज पर आएंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको दिखाएगा। बाकी यहाँ पे आप फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस में जाएंगे, तो आपको अपनी सारी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा कि ये 6 महीने के लिए है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। एक आपको अपने कॉलेज से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसका आपको दिया गया है फॉर्मेट, आप अपने A4 साइज पेपर पे निकलवा लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आपके डाउट्स हैं वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। इसके बाद इंस्टीट्यूट कोई भी चार्ज नहीं लेता है ट्रेनिंग का, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप कहीं और भी जाते हैं तो आपसे फीस लिया जाता है ट्रेनिंग का, यहाँ पर फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसके अलावा कोई आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट विल इंटीमेट द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ट्रेनिंग इंडिविजुअल, आपको ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। बाकी कितने बच्चों को ये लेते हैं तो वो आपके PI पे डिपेंड करेगा, साइंटिस्ट पे डिपेंड करेगा, उनके पास कितनी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद बीटेक बीएससी बीफार्म वाले बच्चे नहीं एलिजिबल हैं। तो इस तरीके की मैंने मोटी मोटी सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। और आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखना है कि आपके जो भी मार्क्स होने चाहिए वो एग्रीगेट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इन ऑल मेजर एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी 10th के बाद से आपने जो भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं आपके 10th 12th BSc, उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये इनका एक अपना क्राइटेरिया है। बाकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप यहाँ तक जा सकते हैं तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। बाकी जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी किसी भी तरीके की कोई भी डाउट्स आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पर आप सीधा हमसे बात कर सकें। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।